आप स्वस्थ होते हैं तो उसका सामना करते हैं, लेकिन अगर शरीर किसी चुनौती में उलझ जाए तो जिंदगी की मुसीबतें और मुश्किल लगने लगती है। आपको लगता है कि आप कैसे लड़ेंगे? इस कठिन सवाल का जवाब हमें प्रणव देते हैं। प्रणव को ऑटिज्म है, लेकिन वो कहते हैं ये बीमारी नहीं, उनकी सुपर पावर है। प्रणव को देखिए, महीनों सालों तक निराशा आपके करीब नहीं आएगी। साथ में देखते हैं। आपको इंद्रधनुष बनाने के लिए कहा जाए, लेकिन शर्त यह है कि आपको इंद्रधनुष सात नहीं केवल चार रंगों से बनाना है। तो ऐसे में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उस इंद्रधनुष को बीच में ही छोड़ देंगे क्योंकि उसमें कुछ कलर्स मिसिंग है, और या तो फिर आप उस इंद्रधनुष में अपने खुद के कुछ नए कलर्स डालेंगे जिससे उसकी एक नई पहचान बनेगी। हाँ, ये इंद्रधनुष थोड़ा सा इम्परफेक्ट जरूर होगा, लेकिन ये अपने आप में अनोखा होगा। तो आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनकी जिंदगी से कुछ कलर्स, कुछ रंग मिसिंग जरूर हैं, फिर भी वो जिंदगी के कैनवास पर जलवा बिखेर रहे हैं उन रंगों से जो उनके पास है भी और नहीं भी। मेरा नाम अनुपमा बख्शी है, मैं प्रणव की मदर हूँ, और 21 इयर्स का है प्रणव, और उसके साथ ये ऑटिज्म की जर्नी 21 इयर्स की है। कब डिटेक्ट हुआ था, कैसे डिटेक्ट? दो साल तक उसका ये जो जर्नी है वो कैसा रहा है? दो साल पे मुझे थोड़ा सा ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ डिफरेंस है, और जब मुझे जैसे मैंने शेयर किया लोगों से तो हर कोई, एवरीबडी मीन्स वेल, हर कोई कहता रहे नहीं नहीं ये ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मुझे बहुत सारे कंसर्न से थोड़ा आइडिया मुझे ऑटिज़म का था, बहुत थोड़ा, बहुत लिटरल आइडिया था मुझे ऑटिज़म का। तो फिर क्योंकि प्रणव में बड़े टिपिकल फीचर्स थे, उसकी स्पीच रिग्रेस हो रही थी, वो टोज पे भागता था, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव था उस वक़्त, तो फिर ऑटिज़म का डायग्नोसिस हुआ। एंड डायग्नोसिस के बाद थोड़ा टाइम तो लगता है टू पिक अप द दिस थिंग, तो फिर उसके बाद उसकी वो ऑटिज़म की जर्नी शुरू हुई, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हर एक को ये राइट है कुछ करने का अपनी लाइफ में, तो उसको भी है, लेकिन मैंने उसको कभी चैलेंजेस से दूर नहीं रखा कि मैं उसको प्रोटेक्ट करके रखूँ। जैसे मैंने उसको फर्स्ट चीज़ यही बोली कि बहुत मुश्किल, बस पहले बात तो मे बी यू वॉन्ट सक्सीड, हो सकता है आपको कोई मैं ऐसे सुना ही नहीं था कभी, कोई मुझे बहुत लोगों ने कहा भी कि भाई ये एज ऑटिज्म क्यों कराना है मॉडलिंग, विच इज सो आई डोंट नो, मतलब मैं क्या उस पर रिएक्शन करूँ भाई। आप एक बच्चे की लाइफ से कई चीज़ें थोड़ी हटा सकते हैं, हर एक को एक राइट है हर चीज़ में ट्राई करने का और फेल होने का। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम कि दिस जर्नी अबाउट ट्राइंग एंड फेलिंग। बट उसमें वो जुनून कह लो या कुछ इतना ज़्यादा है उसका, मे बी दिस इज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, उसको क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है ये उस पर। तो मैंने उसको एक तो समझाया कि चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल होगा, एंड स्टेज फ्राइट ही यूज़ टू टेल मी कि मुझे स्टेज फ्राइट अगर होगा तो मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे भी स्टेज पे ही लाइक्स टू गो ऑन स्टेज, वो उसने कर लिया। प्रणव के साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी प्रणव के कैलेंडर शूट के लिए, सो 2020 का कैलेंडर शूट था जिसके लिए मैं प्रणव से पहली बार मिला, और जब मैं प्रणव से पहली बार, मेरे को प्रणव की मॉम ने इंट्रोड्यूस कराया, सो ऐसा ही लगा कि प्रणव बाकी सब मॉडल्स की तरह हैं, बट धीरे धीरे काम करके पता चला कि प्रणव आई थिंक बाकी मॉडल्स से ज़्यादा ओबीडियंट है, एंड व्हेन आई रियलाइज दैट ऑटिज्म इनकी सुपर पावर है,
तो उसके साथ मुझे एक नई एक्सप्लोर एक नई अपॉर्चुनिटी मिली इस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की, इस डोमेन को एक्सप्लोर करने की. एंड प्रणव ने बहुत ओबीडियंस के साथ 2 साल से मेरे साथ बैक टू बैक शूट्स करे हैं. एंड आई थिंक हमने 5-6 शूट्स अभी तक प्रणव के साथ करे हैं. Autism is not a disease, it's a condition. We don't suffer from autism. It's my superpower. All my favorite Marvel characters have superpowers. Thor has hammer, Captain America has shield, and Iron Man has iron rod. My superpower is autism, and it makes me work hard, sort things, and do whatever I want to do. So it is all about कोपिंग मैकेनिज्म्स. आपके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना ही वो नहीं होता, एक लिस्ट नहीं होती कि मम्मी ने दे दी है 10 चीज़ें. वो आपको जब अंदर से आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप, जैसे आप परफेक्शन की बात करें, हाँ मतलब इस फील्ड में यस, वो एक सर्टन लेवल का परफेक्शन कमांड है ना, उसने अपने आप को इस लेवल तक लाने की कोशिश की है. खैर प्रणव का जो पहले स्टार्टिंग फेज था उसकी ट्रेनिंग जो थी बहुत स्पेसिफिक थी, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए था. ठीक है, स्टिफनेस दूर करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेचिंग थी. तो धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारा ट्रेनिंग रूटीन चेंज होता गया, वेट लिफ्टिंग हैवी होती गई. वेट लिफ्टिंग हैवी होने के साथ साथ प्रणव के जब मसल डेवलप होने लगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगी. तो प्रणव के साथ मुझे इतना डिफिकल्टीज उसके बाद आई नहीं. ऑल दो प्रणव को कुछ चीज़ें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मतलब हैवी लिफ्टिंग में थोड़ा बॉडी शेक हो जाता है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत डिफिकल्टीज आ रही है. जैसे नॉर्मल लोगों को ट्रेन होता है वैसे प्रणव का भी ट्रेनिंग है, उनका भी हैवी लिफ्टिंग है, प्रणव का भी हैवी लिफ्टिंग है, तो कुछ चेंज नहीं है. I've traveled to Thailand in 2012, Mauritius in 2013, Hong Kong in 2014, Dubai in 2015. And I went to Mumbai in 2016 and 2019. प्रणव ने इस चीज़ को कभी अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया. इवन वो खुद कहता है कि ऑटिज्म इज माई सुपर पावर, तो वो प्रणव का वीक पॉइंट नहीं है, वो स्ट्रेंथ है प्रणव का. से भी आप देखिए, हम थोड़ा सा हमारे ये समाज में थोड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को कंपेयर करना कि वो बच्चा ऐसा वो बच्चा ऐसा. सो वो बिकॉज मैं इतना एजुकेशन फील्ड में रही हूँ और हमेशा से इसको मैंने डिसलाइक किया है, तो वो मेरे को मैंने फेस किया ऑफ कोर्स कि ये बच्चा डिफरेंट है या कुछ है, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ में, चाहे सोशल सेटअप में. हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करके हार के बैठ नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं कि ठीक है, जहाँ ज़रूरत है हम लोगों को अवेयर भी करा सकते हैं कि देखो दिस चाइल्ड इज डिफरेंट देन योर चाइल्ड, सो दैट डजंट मीन दैट उस बच्चे में कोई वो मिसबिहेव्ड है कुछ है, इस तरीके से उसने ऐसे किया होगा. तो वो चैलेंज हमेशा रहता है, कंपेरिजन हमेशा रहता है. Yes, I ignore. In case they harass me, actually just say, don't harass me, just want to be a model forever. अगर मैं कहूँ कि ऐसा मदर मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन नहीं है कभी आया तो वो गलत है. ब्रेकडाउन पॉइंट्स आते रहते हैं. इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन नहीं होता, इम्पॉर्टेंट वो होता है कि ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ. ब्रेकडाउन के बाद वो इतनी आपको अपने आप को वो एक वो कहावत है ना, यू डोंट कम दिस फार टू कम ओनली दिस फार. अपने आप को आपको किस तरह से रीइन्वेंट करना है, किस तरह से अपनी जर्नी को आगे रखना है, तो वो हिम्मत तो फिर वो उसी उसको ब्रेकडाउन आयरॉनिकली आपको हिम्मत देने के लिए आता है. मेरे लिए अगर आप पूछें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मेरे बच्चे की सेल्फ एस्टीम इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. वो ये फील करे है 21 दैट ही इज़ द बॉस ऑफ हिज लाइफ विच ही फील. वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो मेरे से कंसल्ट करता है, वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वही वो करता है. वो इसलिए नहीं क्योंकि वो स्पॉइल्ड है या उसको अननेसेसरी फ्रीडम मिली हुई है एट 21 बीइंग ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. वो इसलिए बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस उसमें
आ गया है कि वो अपने डिसीजंस आगे ले सकता है। प्रणव के साथ मुश्किल कभी भी नहीं आई किसी भी तरीके की, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रणव से जब मैं पहली बार मिला था, जब प्रणव का पहला शूट किया था, तो वहाँ से लेके आज तक प्रणव की जर्नी जो है वो बहुत एज अ एक्टर, एज अ मॉडल उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत मेच्योरिटी आई है, पोजेस बहुत इम्प्रूव हुए हैं, जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स क्वालिटी और पोजेस क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो आई थिंक आई कैन वेल से कि प्रणव इस टाइम पे किसी भी प्रोफेशनल मॉडल को इंडस्ट्री में टक्कर दे सकते हैं आज के दुनिया में। लेकिन मुझे दिखता है कि जितना भी कुछ कह लो, लोग ज़्यादा एक्सेप्टिंग हैं, लोगों ने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, शायद लोगों को बाहर दिखने लगे हैं लोग विद डिफरेंसेस, है ना। सो चैलेंजेस का मैं अपना चैलेंज मुझे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि जब भी मैंने प्रणव को एक चीज़ एज अ चैलेंज प्रेजेंट की है तो आई फाइंड दिस सो वंडरफुल इन हिम। तो वो मुझे पूछता है सो हाउ डू वी ओवरकम, लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस। हमारी नोटबुक निकल जाती है और हम प्लान बनाते हैं उसमें, वो फिर वो प्लान फर्जी प्लान नहीं होता, वो फिर उस पर प्रणव काम करता है। मतलब उसने अपनी लाइफ को इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि वो जो उसको पसंद है, जो उसको, ही हैज एवरी राइट। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। और इसी तरह अपने बुलंद हौसले से हर फासले की दूरी तय कर रहे हैं 21 साल के प्रणव, जो चुनौतियों को भी चुनौतियां दे रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि कमजोरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे बनाइए केवल अपनी ताकत ही। वीडियो जर्नलिस्ट परमेंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे।